नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल चैनल फीकी न्यूज। बॉलीवुड के मोस्ट मैचुलर सलमान खान की शादी का इंतजार हर किसी को तो है ही, लेकिन राजनीति के मोस्ट बैचलर राहुल गांधी की शादी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। जून में पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक के दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख सुप्रीमो लालू यादव ने राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी और अगले कई दिन तक इसके मायने तलाशे जा रहे थे। अब एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चा में है। राहुल गांधी ने 29 जुलाई को एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें हरियाणा से आई कुछ महिला किसान और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात दिखाई गई। इन्हीं में से एक महिला सोनिया गांधी से राहुल गांधी की शादी कराने को कहती हैं। इसके उत्तर में सोनिया गांधी ने कहा, आप लड़की ढूंढो ना, शादी रखे राहुल, आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। वीडियो में राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर बोलते हुए दिखते हैं। वो कहते हैं हो जाएगी, और अब हो भी जाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी की अब बात सच हो गई है। जी हाँ, अब राहुल गांधी की दुल्हन मिल गई है। राहुल गांधी से शादी करने के लिए एक एक्ट्रेस ने हाँ कर दी है, लेकिन शर्त भी है। शर्त है कि गांधी सरनेम नहीं चेंज करेंगी और चोपड़ा ही रखेंगी। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी से शादी करने के लिए हाँ बोलने वाली, वो चाहते हैं कि उनका सरनेम चोपड़ा ही रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिनका सरनेम चोपड़ा है और जो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा ने तो शादी कर ली, तो फिर कौन है आखिर ये एक्ट्रेस? आपको बता दें, दरअसल ये एक्ट्रेस है शर्लिन। उनका वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल उनका एक वीडियो काफी चर्चा में है। शर्लिन ने शादी के लिए हाँ कर दी है। आपको बता दें, वायरल वीडियो में शर्लिन से ये सवाल किया गया कि क्या वो राहुल गांधी से शादी करेंगी। इसमें जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं। इसके आगे शर्लिन शादी के लिए एक शर्त भी रखती है और कहती है कि वो चाहेंगी शादी के बाद उनका सरनेम चोपड़ा ही रहे। अब शर्लिन के इस बात पर राहुल गांधी की कोई टिप्पणी आती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।